नमस्कार, जेएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, मंदिर निर्माण की नहीं बता सकते तारीख, राम मंदिर बनाना कोर्ट के हाथ में। फतेहपुर के बकेवर इलाके में गांव के बाहर पेड़ से लटके मिले युवक युवती के शव, घटना से इलाके में सनसनी का माहौल, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कानपुर के चकेरी इलाके में केडीए चौराहे के पास कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर विभाग ने आग पर पाया काबू, इलाके में घंटों रहा अफरा तफरी का माहौल। दिवाली त्योहार के मद्देनजर अवैध आतिशबाजी के खिलाफ अभियान जारी, कन्नौज के छिबरामऊ में एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी, लाखों की कीमत के पटाखे और बारूद बरामद। और तेल की कीमतों में लगातार कटौती जारी, दिल्ली में पेट्रोल 19 पैसे तो डीजल 11 पैसे हुआ सस्ता। और अब खबरें विस्तार से। कानपुर शहर का नाम प्रदूषण के मामले में अव्वल होने के बाद नगर निगम की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसी के चलते पूरे शहर में कुल 17 बड़े और 48 छोटे चौराहे चिन्हित किए गए हैं, जिसके बाद नगर निगम और यातायात विभाग के संयुक्त अभियान में घंटाघर चौराहे को फायर ब्रिगेड से धोया गया, पेड़ पौधों पर मौजूद मिट्टी को भी पानी डालकर धोया गया। नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने खुद खड़े होकर चौराहे की धुलाई करवाई। साहब के साथ में नगर निगम और हम लोगों ने मिलकर ये सारे जो चौराहे हैं शहर के, उन चौराहों पे आज यातायात के दृष्टिगत जो अवरोध आ रहे हैं उसको हटवाने का कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये जो पानी का छिड़काव देख रहे हैं कि जो धूल वगैरह उड़ती है, पॉल्यूशन होता है, तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हवा में आ रही है उसको कम करने के लिए ये पानी का छिड़काव का भी कार्य किया जा रहा है। तो चौराहों को यातायात के लिए सुगम बनाया जा रहा है, बाकी प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए इस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और इसके लिए ये संयुक्त अभियान नगर निगम परिवहन, ये हमारे एसपी ट्रैफिक साहब और पुलिस विभाग और सभी के साथ ये चलाया जा रहा है। नहीं, अभी देखिए यातायात मास चल रहा है, हमारे 18 चौराहे चिन्हित किए गए हैं, उनमें नगर प्रशासन की तरफ से पुलिस और यातायात मिलकर एक तो अभियान कोना छोड़ो और ऑपरेशन क्लीनशिप चलाया जा रहा है। तो उस चौराहे से जितना पॉसिबल है 50-70 मीटर चारों तरफ उसको खाली करा रहे हैं। खाली होने के बाद जो संबंधित चौकी इंचार्ज हैं, थानाध्यक्ष हैं और टीआई हैं, इनकी जिम्मेदारी होगी कि इसी तरह मेंटेन रहे हो। कानपुर में स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत पूरे शहर के 6 पार्कों में शुरू होने वाले ओपन जिम का आज नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के लिए नगर आयुक्त सबसे पहले मोती झील स्थित कारगिल पार्क पहुंचे और अधूरी रह गई कमियों को देखा। नगर आयुक्त ने कहा है कि सभी पार्कों में ओपन जिम का काम लगभग पूरा हो चुका है, जो भी काम बाकी रह गए हैं उन्हें जल्द ही पूरा करके जिम का लोकार्पण करने के साथ शहरवासियों को दीपावली का तोहफा भी दिया जाएगा। मिशन के अंतर्गत पूरे शहर में 6 पार्कों में हम लोग ओपन जिम बना रहे हैं, उसमें कारगिल पार्क भी एक है। तो कुछ पार्कों के काम ओपन जिम के कंप्लीट हो गए हैं। हमारा ये प्रयास है कि दीपावली के पहले शहरवासियों को हम लोग इसको लोकार्पण करके शहरवासियों को इसका एक तोहफा दिया जाए कि दीपावली के पूर्व कुछ पार्क्स में, उसी के क्रम में इसका निरीक्षण किया है। जो कुछ भी काम कंप्लीट है, यदि कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको दूर कराते हुए हमारा प्रयास ये है कि 1-2 दिन के अंदर इसको हम लोकार्पण करते हुए जनता के लिए इसे खोल दिया जाए। दिवाली पर तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजनों व तेज आवाज वाले पटाखों का असर उसके कुछ दिन बाद ही नजर आता है, जिसमें सामने निकलकर तरह तरह की बीमारियां आती हैं, जिन पर कुछ डॉक्टर्स ने जीएमडी न्यूज से साझा किए सावधानी टिप्स। देखिए, मौसम जो है, इस मौसम में जो है ट्रांजिशन वाला मौसम होता है, गर्मी से सर्दी की तरफ मौसम जाता है और ये त्योहारों का भी सीजन है। तो मेरी हृदय रोगियों से सलाह रहेगी कि जैसे त्योहारों पे हम थोड़े खाने पीने में थोड़ा अनियंत्रित हो जाते हैं, ज़्यादा मीठा है या ज़्यादा तली भुनी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करने लगते हैं और बिकॉज ऑफ कोल्ड सीजन की वजह से जो है एक्सरसाइज जो है कम हो जाती है। तो मेरे अच्छा सुबह और शाम का समय काफ़ी ठंडक रहता है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं वो ज़्यादातर
ज़्यादातर अगर कोशिश करें कि सुबह 9 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद जो सर्दी का मौसम होता है उसमें मॉर्निंग वॉक्स वगैरह ना करें, इसको जब थोड़ा धूप निकला है तब मॉर्निंग वॉक्स करें, क्योंकि ज़्यादा सर्दियों में हृदय की धमनियाँ संकुचित हो जाती हैं जिससे कि जो है रिसेंट हार्ट अटैक और या एंजाइनल पेन्स होने का जो है खतरा पैदा हो जाता है। और सर्दी के मौसम में जैसा कि मानव की प्रकृति होती है कि तला भुना खाना उसके लिए अच्छा लगता है, जैसे समोसे हैं, जलेबियाँ हैं, तो तले भुने खाने को बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करना है। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के त्रिभुवन खेड़ा में चोरों ने सेंध लगाकर एक ज्वेलरी की दुकान से जेवर व नकदी समेत लाखों रुपए का माल पार कर दिया। सुबह आने पर दुकान मालिक को घटना की जानकारी हुई। आपको बता दें कि गंगा घाट कोतवाली पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं। त्रिभुवन खेड़ा स्थित निषाद ज्वेलर्स की दुकान में सेंध मारी कर सोने व चांदी के जेवर सहित 55,000 की नकदी समेत लगभग 7 लाख का माल पार कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। झांसी में फूड विभाग ने सूचना पर एक मसाला कारोबारी के यहां छापेमारी की और मिलावटी मसाले पकड़े, जहां टीम ने करीब 1 क्विंटल से अधिक मिलावटी मिर्ची व अन्य मसाले जब्त किए। बताया गया है कि इन मसालों में रंग या कोई केमिकल मिलाया जा रहा था। फिलहाल जांच के लिए नमूनों को लैब भेज दिया गया है। अब जाँच के बाद ही आगे की कार्यवाही होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी राजेश त्रिवेदी ने बताया कि विभाग तो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करता है, लेकिन मिलावटखोरों से मुक्ति तभी मिलेगी जब पब्लिक अवेयरनेस होगी। सटीक सूचना थी जिसके आधार पर हमने सुभाषगंज बाजार में छापा मारा और वहां पर एक मसाला कारोबारी को हमने रंगते हुए अपनी आंखों के सामने पकड़ा। मिर्च को रंगते हुए करीब 1 क्विंटल से ऊपर मिर्च उसके यहाँ पकड़ी गई है। नमूना लेके जांच के लिए भेजा गया है लैब और हल्दी का भी नमूना वहाँ से लिया गया है, क्योंकि हल्दी भी मिलावटी प्रतीत हो रही, तो दो नमूने हमने जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे। इटावा की भरतना तहसील के महवा ब्लॉक के धर्मशाला गांव के ग्रामीणों ने डीएम सेल्वा कुमारी के कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने बताया है कि उनके गाँव में अब तक एक भी सरकारी शौचालय नहीं बनवाया गया। गाँव के लोग खेतों में ही शौच के लिए जाते हैं जिससे काफी परेशानी होती है। गांव में सरकारी शौचालय सिर्फ कागजों पर बने हैं जिसका पैसा निकाला जा चुका है। इस मामले में डीपीआरओ से बात की गई तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। आपको बता दें कि ओडीएफ जिला घोषित होने से पहले इसका सर्वे करने एक टीम दिल्ली से और दूसरी टीम लखनऊ से आई थी। टीम की रिपोर्ट पर सरकार ने इटावा को सूबे का पहला ओडीएफ जिला घोषित किया था, लेकिन अब सवाल ये है कि टीम ने ये कैसा सर्वे किया था। नहीं आज तक पूरे फुल गांव में कोई जटिल ग्राम पंचायत की तरफ से नहीं बनवाया। कोई 2-4 आदमी है जो बड़े बड़े उन्होंने अपने मनमानी पर्सनल ऐसे कुछ नहीं बनेंगे। यहाँ तक कि मुझे इतनी परेशानी है कि हमारी पुत्र वधु लकवा की शिकायत है, साइकिल पे ले जाते हैं लेटरिन करा के तब वापस लेके आते हैं। बहुत परेशानी है, लेटरिन नहीं है, कोई काम नहीं है, न कॉलोनी न कुछ काम, लेटरिन दी जाए अब कहाँ जाए, परिणाम कमजोर है और दो कर मेरे परेशान है। बेस लाइन सर्वे के अनुसार ओडीएफ हो गया है, बेस लाइन के अतिरिक्त जो बचे हैं उनका भी सर्वे हो चुका है। बेस लाइन का क्या चीज होती है? जो 2012 में सर्वे हुआ था जिनके घरों में शौचालय नहीं थे, तो वो बेस लाइन सर्वे की सूची बनाई गई, उसके आधार पर पैसा दिया गया 12,000 रुपये की दर से, अथवा ग्राम प्रधानों ने बनवाया, उसके आधार पर ओडीएफ हो गया है। बेस लाइन के अतिरिक्त जो छूट गए थे या परिवार बढ़ गए उनका भी सर्वे हुआ है, उनका भी बनवाया गया। इटावा कचहरी में वकीलों में सीतापुर एसपी के खिलाफ बेहद आक्रोश देखने को मिला, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने एक मीटिंग की और हड़ताल की, और बाद में एसपी सीतापुर प्रभाकर चौधरी का पुतला कचहरी में घुमाकर नारेबाजी कर फूंक दिया। ऐसा माना जा रहा है कि शासन ने प्रभाकर चौधरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो वकील बड़ी हड़ताल करेंगे।
भट्टापुर में हमारे कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं थाने में बैठाल के रखा प्रभाकर चौधरी की एसपी हैं वहाँ के, उनके आदेशानुसार। उसके बाद जब अध्यक्ष जी गए तो अध्यक्ष जी को भी वहाँ बैठा लिया और वहाँ पर 6 नामजद 25-30 अज्ञात अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा लिख दिया और तत्काल जिस दिन मुकदमा लिखा गया उसी दिन पर 25,000 का इनाम कर दिया गया और NLC की कार्रवाई सरकार को प्रेषित कर दी गई। इसी के चलते पूरे प्रदेश में हड़ताल है, आज इटावा में भी हड़ताल है। इसी के चलते हम लोगों ने आज SP सीतापुर का पुतला। हमीरपुर जिले में ई टेंडरिंग से मोरंग खदानों के पट्टों की आड़ में बड़ी तादाद में अवैध खनन किया जा रहा है, जहां DM और SP ने कार्रवाई करते हुए खदान में छापेमारी की और 25 ट्रक 8 JCB मशीन 7 पोकलैंड मशीनों के साथ 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये खदान नहीं है, ये बेतवा नदी है इस वक्त। और ये खदान खदान करके और कागजों में दिखाने की बात खान अधिकारी CJP द्विवेदी द्वारा बार बार कहा गया है, जो कि गुमराह करने की इनके द्वारा हमेशा कोशिश रही है पुलिस को और प्रशासन को। इस चीज़ का भी आज संज्ञान लिया गया है। यहाँ पर औचक एकदम सरप्राइज रूप से मेरे और SP साहब के द्वारा आज यहाँ पर हम लोग आए हैं और यहाँ पर कम से कम 10-12 ट्रक 6-7 JCB पोकलैंड जो मशीनें JCB कही जाती हैं वो नदी की 20 धारा से भी पाई गई हैं। कुछ को साइड में करवाया गया है। सबकी जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई यहाँ सुनिश्चित नियम अनुसार की जा रही है। यूपी के पुलिस महानिदेशक OP सिंह ने प्रदेश के सभी थानों में साफ सफाई रखने के निर्देश दिए, जहां कानपुर देहात के सभी थानों में साफ सफाई के साथ थानों को चमकाने का काम तेजी से चल रहा है। वहीं समाधान दिवस पर जनपद के रूरा थाने को दुल्हन की तरह सजाया गया, जहां समाधान दिवस पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक राधेश्याम ने थाने की साफ सफाई और सुंदरीकरण कराए जाने का निरीक्षण किया और लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। एक DGP साहब का एक अभियान चल रहा है कि जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी जो थानों में रह रहे हैं उनकी आवासीय स्थिति बहुत ख़राब है, हैं कहीं छत टपक रहा है, कहीं जो दीवार टूटी हुई है, कहीं जो है मच्छर खिड़की नहीं लगे हैं, दरवाजे नहीं लगे हैं, जाली नहीं लगे हैं, तो मच्छर से भरे हुए हैं। तो उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए एक अभियान चलाया गया था जिसका 30 तारीख लास्ट डेट था कि सभी थानों की रंगाई पोताई सफाई और मरम्मत के कार्य कर लिए जाए। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत शुक्लागंज शाखा की बैंक ऑफ बड़ौदा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक शेखर वैद्य द्वारा देवारा कला स्थित पूर्णिमा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की शपथ दिलाई गई और बच्चों को पुरस्कृत कर उत्साह भी किया गया। इस मौके पर आलोक वर्मा, विभा खत्री, सोनू वाजपेयी, प्रशांत तिवारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। प्रत्येक वर्ष जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है जिसके अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और इससे आम नागरिकों को जागरूक करता है, जिससे के अंतर हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की ओर अग्रसर हों। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा वरिष्ठ शाखा प्रबंधक शेखर वैद्य यहाँ आज हम लोग पूर्णिमा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज देवारा कला के अंदर भी चित्रकला प्रतियोगिता का एक आयोजन कर रहे हैं जिसका विषय बच्चों को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का दिया गया है और इस विद्यालय के छात्रों द्वारा भ्रष्टाचार के शपथ भी दिलाई गई है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए JMD न्यूज के साथ। अरे भाई तैयार हो जाओ, 3 घंटे में फ्लाइट है, 3 फंक्शन है बॉस। मेरा तो सब सेट है। पर आप ला मिलियार्डो, स्पेशल मोमेंट्स फॉर एवरीवन। शुभ मांगलिक कार्यों के लिए संपर्क करें
सूरज आइसक्रीम, हमारे यहाँ अमेरिकन नट्स, चोको चिप्स, बनाना स्प्रेड, रबड़ी मलाई, केसर पिस्ता, बटर स्कॉच 4-in-1 आदि उचित दामों पर उपलब्ध हैं। आइसक्रीम के सैंपल घर पर मंगवा कर सकते हैं चेक। सूरज आइसक्रीम, बजरंग चौराहा, यशोदा नगर, कानपुर। हमारे यहाँ शुद्ध दूध, दही, घी, पनीर एवं दूध से निर्मित सभी उत्पाद उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। भोला डेयरी, किदवई नगर, कानपुर। 118 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में गुणवत्ता से परिपूर्ण विश्वसनीयता का दूसरा नाम भीकाराम महावीर प्रसाद, बादशाही नाका सब्जी मंडी वाली पुरानी दुकान। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी से निर्मित मेवे के मिष्ठान, शुद्ध दूध से बने छेने और मिठाइयाँ व नमकीन उपलब्ध है। मैं वैभव खंडेलवाल, संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ कानपुर महानगर उत्तर, आप सभी शहरवासियों को दशहरा, धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस त्योहार पर पॉलीथीन का प्रयोग ना करें और वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सपना है, स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बने। नमस्कार, मैं सोम भारत, मैं आप सभी नगरवासियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय हिंद। 100 वर्षों से अधिक आपकी सेवा में कानपुर की प्राचीनतम भरोसेमंद दुकान भीखाराम स्वीट्स, हालसी रोड, कानपुर। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से बने उत्पाद, मेवे की बनी मिठाइयाँ, शुद्ध दूध से बने छेने की मिठाइयाँ एवं नमकीन उपलब्ध है। दुबे पद्मेश का नमस्कार। अब हम आपको प्रत्येक रविवार को आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान ज्योतिष के दर्पण पे। आपको भेजना होगा अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान। किस पर? JMD पर, केवल JMD पर। और इसके बाद बताएंगे देश में क्या होने वाला है, कैसे पर्व और त्योहार मनाएं। प्रत्येक रविवार को 11 बजे से 12 बजे तक हम करेंगे ज्योतिष के माध्यम से मानव सेवा। नमस्कार। मुशायरा शनिवार रात्रि 9 बजे और रविवार दोपहर 1 बजे सिर्फ JMD न्यूज पर। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी। ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड, नॉनस्टॉप न्यूज एंड म्यूजिक, मींस फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी। जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी प्लस, फिर तो ऐश ही ऐश है बस। बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगामी 2019 चुनावों की तैयारी में आज से बसपा ने भी अपनी कमर कस ली है, जिसको देखते हुए आज कानपुर के नवीन मार्केट स्थित बसपा कार्यालय में बूथ स्तर की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे खास बात यह रही कि पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि बसपा छोड़कर कांग्रेस में गए, उनके साथी व पूर्व लोकसभा सांसद प्रत्याशी सलीम ने आज फिर से बसपा का हाथ थाम लिया, जिसके साथ उनके सैकड़ों कार्यकर्ता भी बसपा में शामिल हो गए। बैठक के बाद सलीम व उनके साथ कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। वहीं सलीम ने वापसी पर कहा कि पुराना घर है, वापसी तो होगी ही। MLC और लखनऊ मंडल और कानपुर मंडल के मुख्य जोन इंचार्ज माननीय भीमराव अम्बेडकर साहब से भी अपनी गलती को एहसास किया।
और माननीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी से हम लोगों ने इसका निर्देश लिया। तो माननीय बहन जी के निर्देश पर आज जो कानपुर से मेयर पूर्व मेयर का चुनाव लड़े थे जनाब सलीम अहमद साहब कांग्रेस में चले गए थे, आज उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं। कानपुर के स्वरूप नगर के पालिका स्टेडियम वेंडी स्कूल द्वारा वार्षिक खेल दिवस ऊर्जा का आयोजन किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल के एल अग्रवाल ने झंडारोहण करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कक्षा 2 से 5 तक के सभी बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम से सबका मन मोह लिया। प्ले ग्रुप के बच्चों ने ड्रिल दौड़ से अभिभावकों का मन मोह लिया। खेलों के समापन के बाद बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लक्ष्मी वर्मन, शमशाद राजकुमार आर्या व अन्य लोग मौजूद रहे। स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया गया है और सभी बच्चों ने, ये हमारे प्रिंसिपल के आर अग्रवाल ने इनके अंडर में हम लोगों ने ये एनुअल स्पोर्ट्स आज उसका आयोजन किया है और सभी बच्चों ने, यहाँ तक कि सभी टीचर्स की, खासकर कि हमारे मिस्टर आर्या, मिस्टर आशीष प्रभाकर, सौम्या, इन सबका विशेष योगदान रहा है और सभी टीचर्स ने, सभी छात्राओं ने, छात्र ने बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया है। ललितपुर में DIG झांसी रेंज सुभाष सिंह बघेल ने पुलिस सभागार और कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस द्वारा की जा रही जनता की सेवा की तारीफ की और कहा कि ललितपुर पुलिस अच्छा काम कर रही है और जो भी सुधार किए जाने उसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। त्योहारों पर सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य बाजारों और चौराहों पर पुलिस गश्त बढ़ाए जाने और एंटी रोमियो की टीम की तैनाती की बात कही। इसके अलावा पुलिस कार्यालय में अंकित शाखा, प्रधान लिपिक कार्यालय और वहाँ की जितनी भी शाखाएं हैं सबका निरीक्षण किया गया और थाना कोतवाली ललितपुर का भी निरीक्षण किया गया। तो पुलिस लाइन में जो यहाँ का कर्मचारियों का डिसिप्लिन है और मॉरल है और कर्मचारियों को वेलफेयर के संबंध में पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत किया गया है। पुलिस लाइन में परेड भी बहुत अच्छी थी और थाने का जो इंस्पेक्शन मैंने किया तो यहाँ के रिकॉर्ड्स भी थाने के बहुत अच्छे हैं। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, गैंग्स का भी जो है वो पंजीकरण कराया उन लोगों ने और अपराधियों पर जो है कार्रवाई हुई है। लेकिन हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है तो और ये जो परिश्रम करने के लिए के दिशा में कोतवाली पुलिस जो है वो प्रयासरत रहेगी। ललितपुर के कोतवाली तालबेहट के ओगरपुर गांव में खेत की रखवाली करने गए किसान का शव खेत में मिला। ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना दी। मृतक के भाई ने गांव के ही आधा दर्जन से अधिक लोगों पर जमीनी रंजिश की वजह से हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुटी हुई है। पर हमको हम आए वहाँ पर तो उनकी जीभ निकली थी, उनकी गला दबा के हत्या की गई, जमीन इनकी रिपोर्ट डाल दी गई, 100 नंबर से थाने पे बुलाया गया, इधर इनकी फसल काट ली गई और रात में इनकी हत्या कर दी गई। ये घटना हुई है कि सर हम कल उनने 100 नंबर डायल किया कि जी बोले कट्टा मार रहे थे, 100 नंबर वालों ने हमको थाना भेज दिया है। थाना भेज के हम 9 बजे रात्रि में आए, खाना खाया और रात में सो गए और जब सुबह हुआ 5 बजे के करीब तो मृतक पाया गया। मृतक के बाद हम इन लोगों का नाम जानते हो, जय विरोधी है हमारे, मेहरबान है, सिपदयाल है, ऊदम है, बादाम है, हेतराम है, चंदन है और शंकर है, सिपदयाल लड़का सिपदयाल। बांदा में कोलावल रायपुर बालू खदान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां अभी तक खदान के खिलाफ चिंगारी संगठन आंदोलन कर रहा था, वहीं अब ग्रामीणों ने संगठन के खिलाफ मोर्चा संभालते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर संगठन के खिलाफ नारेबाजी की और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन देकर शिकायत भी की। ग्रामीणों ने चिंगारी संगठन और अराजक तत्व राजा भैया यादव बलराम सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग गुंडे प्रवृत्ति के हैं जो खदान संचालकों से रंगदारी मांग रहे थे, जब रंगदारी नहीं दी तो खदान बंद कराने के फिराक में लग गए और संगठन का सहारा लेते हुए खदान को बंद कराने में कामयाब भी हो गए, जिसके चलते गाँव के मजदूर भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। इसलिए ऐसे अराजक तत्वों पर कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द खदान शुरू कराई जाए। वहीं इसी मामले पर डिप्टी कलेक्ट्रेट ने ये भी कहा कि मामला अभी सामने आया है, जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। कि हम स्टार मिल के संचालक हैं, हम वहाँ पे लोग राजा भैया, किंगारी गैंग, फातिमा बेगम, ये लोग वहाँ पे जबरदस्ती
काम बंद करा रहे हैं, जो गांव के लोग मजदूरी करते हैं, कोई ट्रक भरता है, कोई वहां पे रास्ता बनाता है, अपना उनका रोजगार छीन रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वो जो आप 2 लाख का महीना राजा भैया फातिमा बेगम मांग रही हैं। क्यों? इसलिए कि कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, हमें खजान नहीं चलने देंगे। सुलावल के लोग आए हैं यहाँ पे, कहाँ ये जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने, ये अपना ज्ञापन देके अपनी बात कहेंगे, उसकी स्पष्ट जांच करा लें हकीकत क्या है। तो कुलाल का वही बालू खदान वाला मामला है उनका जी, और ये लोग कह रहे हैं कि ये चिंगारी संगठन वालों ने जो उनके साथ अन्याय किया है, तो उनको न्याय मिलना चाहिए, इसे रोजगार मिलना चाहिए, इसको चालू किया है, उसके बंद होने से रिश्वत रहे हैं। वो तो रंगदारी अगर सामने आएगी तो जाँच तो होगी ही, अगर कोई भी गलत काम अगर सामने आएगा कि हाँ गलत काम हो रहा है तो उसकी जाँच होगी। कानपुर के स्वरूप नगर स्थित INI FD इंस्टीट्यूट में दिवाली पर रंगोली दिया मेकिंग की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, साथ ही हैंडमेड ज्वेलरी, होम डेकर सहित तमाम चीजों का स्टॉल भी लगाए गए। साथ ही फैशन व इंटीरियर संकाय के डिजाइनर ने विभिन्न प्रकार के ट्रेडिशनल परिधानों को पहनकर रैंप वॉक भी किया। दिवाली का पूरा ऑर्गेनाइज करा रहे प्रोग्राम यहाँ पे, जैसे दिवाली मेला होता है वैसे हम लोग ने बच्चों से ऑर्गेनाइज करवाया हुआ एक दिवाली फेट। तो यहाँ पे बच्चों ने जैसे किसी ने खाने का, किसी ने हैंडमेड आइटम्स, ज्वेलरीज और दिया, बंधनवार, इन सब के स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो हम लोग उसी का पूरा हम लोग ने प्रमोशन भी किया है और बच्चों ने बहुत अच्छे से एक एक स्टॉल। कानपुर के दक्षिण क्षेत्र में सुकून 99 नामक हेयर सैलून का उद्घाटन डेन अम्बे GMD के MD संजीव दीक्षित ने फीता काट कर किया। इस मौके पर संजीव दीक्षित ने कहा कि कानपुर के दक्षिण क्षेत्र को व्यापार के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन अब दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल के कमल उत्तम के अथक प्रयासों से दक्षिण भी व्यापार का हब बन गया है, जिसके लिए उन्होंने कमल उत्तम की जमकर तारीफ भी की। माध्यम से जो त्योहारों का संदेश हुआ है आपके दर्शकों को दीपावली बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज 99 मैच वीडियो फादर का दक्षिण में 12 हुआ है, बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से कानपुर में एक दक्षिण को पिछड़ा इलाका माना जाता था, जब से कानपुर दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल का गठन हुआ और कमल जी के नेतृत्व में ये व्यापार मंडल ने दक्षिण को एक व्यापार का स्वरूप दिया और व्यापार का एक जो माहौल उत्पन्न किया, उसी के तहत आज इनके व्यापार मंडल में एक और बढ़ोतरी हुई है सबून 99 की। हम इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं और इनके सूचन भविष्य का। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए GMD न्यूज। नमस्कार। We'll be right back.